सिंधिया परिवार की सदैव ये प्रथा रही है कि सुख के समय में आपके साथ हम हो या न हो, दुख के समय में जो कांटा आपके दिल में पड़ता है तो वही कांटा सिंधिया परिवार के मुख्य के दिल में पड़ता है। पिछले हफ्ते अशोकनगर जिले का मैंने दौरा करके सीधा मैं भोपाल पहुंचा था मुख्यमंत्री के यहां। आज उदयपुर से नीमच मनासा मंदसौर का दौरा करते हुए रतलाम उज्जैन होते हुए रात को 11 बजे मैं ट्रेन से ग्वालियर प्रस्थान कर रहा हूं। कल सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक मुरैना और भिंड के एक एक बाढ़ग्रस्त गांव में मेरा दौरा हो रहा है और आज आपके समक्ष आपके दुख के समय में हर किसान का दुख, जिसने अपना फसल बोया था उस आशा और अभिलाषा के साथ कि अच्छी वर्षा ऋतु आएगी, बंपर फसल होगा, सोया का, उड़दा का, मूंग का, मकई का, निमाड़ क्षेत्र में कपास का, और तरक्की होगी, उन्नति होगी हर किसान का। लेकिन प्रकृति ने जो एक चपेट के आधार पर आपदा प्रदान की है, एक तरफ बाढ़ तो दूसरी तरफ अतिवृष्टि, और पिछले 4 घंटे से मैं एक एक खेत से गुजरते हुए आ रहा हूं। खेत में 1 फुट 2 फुट पानी तो सामान्य बात है, कई खेतों में तो सीने तक पानी जमी हुई है। और इसलिए मैं मानता हूं कि इस बार तो सर्वे करने की जरूरत भी नहीं है, मैं तो मानता हूं कि हर खेत में 100% पूरी तरह से नुकसान हो चुका है। केवल किसान का नुकसान नहीं, एक एक परिवार में जो पशुपालन मैं अपनी जिंदगी बिताते हैं, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे ऊंट हो, चाहे बकरी हो, हजारों पशुओं का नुकसान हुआ है। अकेले मालवा अंचल में 44 जाने गई हैं। ये स्थिति मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी, जहां 80 इंच बारिश नीमच जिले में हो रही है और 84 इंच बारिश मंदसौर जिले में हो रही है। 27,000 मकान आज ढह गए हैं, 150 किलोमीटर की सड़कें बह गई हैं, 61 पुल जो एक गांव को दूसरे गांव के साथ नहीं जोड़ती, एक गांव को राष्ट्र के मुख्य धारा के साथ जोड़ती हैं, 61 पुलें बह गई हैं। शायद ऐसी आपदा पिछले 50 साल में मालवा अंचल ने नहीं देखा होगा। मुझे याद है 1970 में जब मंदसौर और नीमच में बाढ़ आया था, मेरे पूज्य पिताजी
ने भी मालवा अंचल का दौरा किया था और एक एक गांव में जाकर कंबल बांटा था एक एक किसान के घर में। आज वही स्थिति उत्पन्न हो रही है। रामपुरा में रिंग वॉल टूटने से 10-10 फुट पानी आज अंदर आ चुका है। हजार हॉर्स पावर का पंप लग रहा है पानी को निकालने के लिए, लेकिन हजार हॉर्स पावर का पंप लगने के बाद भी 3 या 4 इंच पानी ही कम हुआ है। वस्तु स्थिति की जायजा में लिए है। अभी व्यापारियों के साथ मैं मिला हूं, इनका दुख और दर्द भी मैंने सुना है। लाखों का नुकसान हुआ है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे किसान हो चाहे व्यक्ति जो पशुपालन करता है, चाहे जान हानि हुई हो चाहे मकान की हानि हुई हो, हर एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से मुआवजा दिलाना ये मेरा लक्ष्य रहेगा। मैंने मुख्यमंत्री जी को कह दिया है, पटवारी तहसीलदार जो भी सर्वे करे राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत जी हमारे साथ यहां उपलब्ध हैं, जो भी एक एक किसान का नुकसान हुआ है जो राजस्व विभाग का अधिनियम है उसके तहत 8,000 रुपया से 30,000 रुपया का जो रेंज है मुआवजा का वो एक एक किसान को प्रति हेक्टर दिया जाना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो आज किसान के खाते से बीमा कंपनियां बीमा काटती हैं, अनुमति के साथ और अनुमति के बिना जो बीमा काटा गया है, जब ऐसी प्राकृतिक आपदा हुई है तो जिन बीमा कंपनियों ने किसान के खाते से बीमा काटा है वो बीमा पूरा रूप से किसान को दिया जाना चाहिए। एक राजस्व विभाग की जिम्मेदारी, दूसरी बीमा कंपनियों को निर्देश दिया जाना चाहिए मुख्यमंत्री के द्वारा। और तीसरी बात कि जो यहां बीजेपी के नेता आ रहे हैं दौरा कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि जब आपदा होती है तो हर जन सेवक का दायित्व तो होता है कि राहत राशि लाने की जिम्मेदारी जन सेवक पे होनी चाहिए। आज केंद्र में उनकी सरकार है, मुझे खुशी है कि वे यहां आए हैं, उन्होंने जायजा लिया है। नुकसान देखा है और अगर असलियत में उनका दिल आपके लिए धड़क रहा है तो यहां जायजा लेने के बाद सीधा जाएं दिल्ली में और भाजपा की सरकार से राशि लेके आए मंदसौर और नीमच। राजनीतिकरण करना बहुत आसान होता है, सेवा करना बहुत मुश्किल होता है।
और आज मंदसौर और नीमच की जनता राजनीति नहीं चाहती, आज मंदसौर और नीमच की जनता सेवा और मुआवजा चाहती है। जो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और यहां बीजेपी की सरकार थी, बारंबार जब भी सूखा आया, बाढ़ आई, मनमोहन सिंह जी से हजारों करोड़ रुपए राशि मैं लेके आया था मध्य प्रदेश के लिए किसानों के लिए। केंद्र की आपदा कोष होती है, खजाना खोलें और अन्नदाता का नुकसान का भरपाई करें। हमारे स्वास्थ्य मंत्री यहां हैं, हमारे बाढ़ पीड़ितों के लिए पिछले दो हफ्तों से स्वास्थ्य का शिविर चल रहा है। मैंने इनसे निवेदन किया है, अनुरोध किया है कि जो चिकित्सक यहां हैं और आपकी देखभाली कर रहे हैं, कम से कम अगले 10 दिन, 2 हफ्ते उन्हें यहीं रहना चाहिए जब तक पूर्ण रूप से सेवा न हो पाए समस्त जनता जनार्दन का। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि चाहे मुआवजा की बात हो फसल के लिए, चाहे मुआवजा की बात हो व्यापार के लिए, दुकानों के लिए, पशुओं के लिए, राहत राशि हो, स्वास्थ्य की सेवा हो, मैं आपके साथ हर कठिनाई में आपके साथ खड़ा हूं और आपके लिए मुआवजा राशि लाने के लिए हर संभव प्रयास मैं करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।